विश्व गुर्दा दिवस के मौके पर लखीमपुर खीरी स्थित डीसीडीसी किडनी केयर सेंटर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने गुरुवार को पहुंचकर मरीजों का हाल चाल जाना। केक काटर विश्व गुर्दा यानी किडनी दिवस को मनाया। ये कार्यक्रम मरीजों सहित आम जनमानस में गुर्दा किडनी में होने वाली बीमारियों से जागरूक करने को लेकर मनाया गया। एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया, हर वर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोरों का समर्थन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे। इसी उपलक्ष्य में सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता द्वारा भी लखीमपुर में स्थित डीसीडीसी डायलिसिस सेंटर पर भ्रमण किया गया। यहाँ पर भर्ती मरीजों से मिल रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली गई। इस मौके पर मरीजों के साथ केक काटकर जागरूकता कार्यक्रम को मनाया गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता द्वारा बताया गया कि 11 अप्रैल 2022 में डीसीडीसी डायलिसिस यूनिट सेंटर का शुभारंभ हुआ। वर्तमान समय में 12 कर्मचारी इसमें अपना सहयोग दे रहे। ओम शर्मा इस यूनिट के मैनेजर हैं, वहीं डॉक्टर सचिन चौरसिया टीएमओ हैं। यहां पर 60 टेक्निकल स्टाफ तैनात है, जिसमें राजेश्वर, धर्मेंद्र, तौफीक, शुभम, अनुपम, हर्ष व विवेक अपनी सेवा दे रहे। उन्होंने बताया कि डायलिसिस सेंटर के शुरू होने से पहले लोगों को आसपास के महानगरों में डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। इक्का दुक्का डायलिसिस यूनिट शहर में थे, बहुत महंगे थे, मरीजों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती थी। ऐसे में शासन के सहयोग से डीसीडीसी किडनी केयर सेंटर की लखीमपुर में शुरुआत के बाद सैकड़ों मरीज इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने विश्व गुर्दा दिवस 2023 की थीम पर बोलते हुए कहा, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, अप्रत्याशित के लिए तैयारी, कमजोरों का समर्थन जैसी थीम वर्तमान समय के लिए बड़ा संदेश है। एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया, रक्त में विषाक्त पदार्थ अशुद्धियों के संचय के कारण होता है, जिसके फलस्वरूप गुर्दे खराब हो जाते हैं। लखीमपुर खीरी से जिला ब्यूरो चीफ पवन सक्सेना की रिपोर्ट।